नमस्कार, वेलकम टू यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जहां भी होंगे थोड़ा तो टेंशन में होंगे, बिकॉज मुद्दा ही कुछ ऐसा था यार, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पूरा एनालिसिस दिया था आप लोगों को कि सीएमजे यूनिवर्सिटी और एक दो यूनिवर्सिटी हैं उनके द्वारा कुछ फेक डिग्रीज की बात चल रही थी कि और पूरी सिविल की लिस्ट में 70 से 80% तक बच्चा सीएमजे यूनिवर्सिटी से लिया गया था। उसी पे ही सरकार ने एक्शन लिया है और जेई की जो हेडिंग देख रहे हैं ना, ये आज का पेपर है, जेई के अभ्यर्थियों की डिग्रियों की जाएगी जांच शुरू। जो यूडीएसडी के फॉर्म निकले थे इसकी काउंसलिंग होने वाली थी 10 से 11 फरवरी को, वो रोक दी और अभी डिग्रियों की चल रही है जांच। अगर ये फेक पाई गई तो ऑफकोर्स कई सारे बच्चों के बिहार के जो आउट ऑफ स्टेट हैं उन्हें भी मौका मिल सकता है और आगे आने का, क्योंकि आपको पता है जो मैंने एनालिसिस दिया था लास्ट वीडियो में, देखिए ध्यान से, ये था, ये मैंने मेल किया था, अगर ना देखा हो तो वीडियो देखिए जाके, जो वीडियो है ये वाला, ये हमारा चैनल है पावरविल, वहाँ पे डाल देना पावरविल UDHD, आपको मिल जाएगा बिहार अर्बन जेई सीएमजी यूनिवर्सिटी की 70% फॉर्म फिल किए गए और इसमें बच्चा भी सिलेक्ट किया गया था, ठीक है ना। और भी वीडियोस हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ, अपडेट मिलता रहता है आपको हर जॉब का, कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी और बेहतरीन कंटेंट के साथ आए। यहाँ पे हम लोग फेक कंटेंट पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, अगर कंटेंट वैलिड है तभी वीडियो आएगा वरना नहीं, ठीक है ना। देखो ये मैंने मेल किया था, एक बार नहीं देखा है वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो पढ़िएगा पूरा। इसमें मैंने बोला था सबको, पूरा डिपार्टमेंट को एनालिसिस दिया था कि 377 सिविल की वैकेंसी है, उसमें 258 कैंडिडेट सीएमजी यूनिवर्सिटीज हैं, तो करीब 70% बच्चा तो इसमें आ गया है। तो ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, दिस क्वेश्चन है कि हाउ इट इज पॉसिबल, शायद उनके पास ये मेल पहुंचा हो। ये मैंने अब देख पा रहे हैं 9 फरवरी 2020 को मेल किया था रात को 12:20 पे, सारी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं इनकी अंदर जो मेल दे रखी है साइट पे उन सभी को किया था, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ तो एक्शन हुआ है और थैंक यू फॉर, मतलब आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने इस वीडियो को शेयर किया है, कहीं ना कहीं उनके तक ये बात पहुंची होगी। ओके, तो ऐसे ही देखो हम यूनाइट हैं, हम जुड़े रहेंगे एक दूसरे से, अगर साथ रहेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, ये हमारा इंडिया है, ठीक है ना। चलिए तो आज की बात करते हैं पहले इसकी, इसमें क्या आया हुआ है। 343 पदों पर संविदा बहाली के लिए 18,000 आवेदन आए थे, यानी कि जो 343 ऑल वैकेंसी थी अगर तीनों ब्रांच को जोड़ दिया जाए उसमें 18,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। बिहार के संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों को प्राथमिकता की मांग, तो बिहार ने ऑफकोर्स जो वहाँ के बिहार से वैकेंसी है तो बिहार को आरक्षण मिलना भी चाहिए, मैं भी इसके सपोर्ट में हूँ, मिलना भी चाहिए 40% आरक्षण की मांग। इसमें देखो क्या, पहले इसकी बात कर लेते हैं उसके बाद पूरा न्यूज की बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया कि बच्चों ने, यानी कि बिहार के बच्चों ने इसमें 40% रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, तो वही डिमांड किए भाई हमें कम से कम बिहार के हमें 40% रिजर्वेशन तो दो, और देना भी चाहिए यार, अगर बिहार से वैकेंसी मिलती है आप सारे बाहर स्टेट से सीएमजी यूनिवर्सिटी मेघालय इधर उधर से बच्चे आ जाएंगे अगर फेक डिग्रीज के साथ, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, इनमें भी तो कैपेबिलिटी है गवर्नमेंट कॉलेज से। ये हक, मतलब सच है कि अगर कितनी मेहनत कर ले बच्चा तो 80-90 पहुंचाना बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए, बहुत बड़ी। एक तो एंट्रेंस निकालो, ऊपर से सारे सेमेस्टर का एग्जाम दो भी प्रॉपर दो, तो देखते हैं सरकार क्या एक्शन लेती है। इसमें क्या बोला, जेई बहाली में 18,000 अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए कई राज्यों के तकनीकी संस्थानों के अंक प्रमाण पत्र संदेहास्पद हैं, ऑफकोर्स होनी भी चाहिए, इनकी जांच हो रही है। इसमें बिहार के तकनीकी संस्थानों की डिग्रियां कम और अन्य राज्यों के टेक्निकल इंस्टीट्यूट की डिग्रियां ज्यादा हो रही हैं, जबकि बिहार के संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों को प्राथमिकता देने की मांग की, देनी भी चाहिए। विभाग की जांच के लिए काउंसलिंग, विभाग जो जांच हो जाएगी उसके बाद काउंसलिंग शुरू की जाएगी, तो ऑफकोर्स जांच चल रही है तो एक आध हफ्ता तो लग ही जाएगा नॉर्मल। अब देखो पूरी न्यूज क्या कह रही है, हिंदुस्तान की है ये न्यूज, नगर विकास एवं आवास विभाग के 18 जूनियर इंजीनियर जेई अभ्यर्थियों की डिग्री जांच के घेरे में है, विभाग ने इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग रोक दी है। ऑफकोर्स रोकी गई थी, वो नोटिस भी आया था। अब इन अभ्यर्थियों के अंक प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र की जाँच हो रही है, इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 10-11 फरवरी को होने वाली थी जो कि नहीं हुई। नगर विकास विभाग के जनवरी में 343 पद आए हुए थे, जेई बहाली की वैकेंसी निकाली गई थी, 18,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, सैकड़ों अभ्यर्थी, ये देखिए ये जो बर्थ, मेघालय के एक संस्थान यानी कि सीएमजे यूनिवर्सिटी की बात हो रही है और मेघालय में और कोई नहीं है, संस्थान के अंक प्रमाण पत्र के आधार पर जेई पद के लिए आवेदन दिया, जबकि यह संस्थान अखिल भारतीय, देखो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त नहीं है, ये बोला, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इन अभ्यर्थियों के अंक पत्र में 89 से 95% अंक मिले हैं जो संदेह के घेरे में है। कुछ माह पहले इसी संस्था के छात्रों ने पंचायती राज, जो इसकी
आई थी पंचायती राज की वैकेंसी, जेई पद की बहाली के लिए आवेदन किया था जो जांच के बाद फर्जी। ये हम लोगों के लिए बेनिफिट है, यानी कि जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से इस पॉइंट को, यानी कि उसमें अगर फर्जी हुआ है तो ऑफकोर्स यहाँ भी फर्जी उसे घोषित किया जाएगा, यानी कि सीएमजी यूनिवर्सिटी के बाहर होने के 110% चांसेस हैं। कई अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश के एक डीम्ड विश्वविद्यालय का अंक प्रमाण पत्र जमा किया है, यानी कि डीम्ड कॉलेज का भी किया है, तो यहाँ पे भी उन पर ऑब्जेक्शन उठ सकता है। विभाग की जानकारी मिली है कि इन अभ्यर्थियों को कोई अंक पत्र प्रमाण पत्र इस विद्यालय की ओर से जारी नहीं किया गया है। कई अभ्यर्थियों ने बेंगलुरु के एक विश्वविद्यालय का अंक प्रमाण पत्र जमा किया है। इन अंक प्रमाण पत्र 95% से अधिक अंक हैं, क्या मतलब, जो संदेह के घेरे में। इसी तरह राजस्थान के एक डीम्ड विश्वविद्यालय से, तो ये जितने भी कॉलेज हाईलाइटेड थे, जितने भी आप लोगों ने मुझे कमेंट किया, बहुत सपोर्ट किया उस वीडियो को, थैंक यू, रियल में आगे नहीं करना चाहूँगा, थैंक यू, अपने बहुत अच्छे कमेंट किए। और कई थे जो बोल रहे थे भाई तू कौन होता है कहने वाला कि जेई अभ्यर्थी मतलब सीएमजी यूनिवर्सिटी फेक है, तो अब देख लो भाई जो भी ये कह रहे थे ना जेई, ये साफ साफ लिखा हुआ है इस पेपर में, और पेपर का तो एनालिसिस मुझसे अच्छा ही होगा ना एक बार। तो कुछ अभ्यर्थियों ने अंक प्रमाण पत्र जमा किए हैं, ठीक है ना, इतनी है तो। लेकिन इस विद्यालय ने इस अभ्यर्थी को कोई अंक, यानी कि कह सकता है सीधा सीधा ये पूरा कह रहा है कि फर्जी, यानी कि सीधा सीधा बात हो रही है, फेक डॉक्यूमेंट बनवाए गए हैं कई यूनिवर्सिटीज से और यूनिवर्सिटी कह रही है कि हमने दिए नहीं है, तो ऑफकोर्स ये कोई ना कोई बीच में घपला हुआ है। तो बस जो हमारे आनंद किशोर सचिव हैं यहाँ के नगर विकास विभाग के, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट आया हुआ था। अब इस पर पूरी जाँच होगी और कोई भी अपडेट मिलती है जांच के रिगार्डिंग, क्या होता है आगे, क्या फैसला आएगा, क्या कब काउंसलिंग होगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। हमारा चैनल आपको कोशिश करेगा कि आपको वैलिड कंटेंट, फालतू की फेक न्यूज़ नहीं पे ध्यान देंगे, जो रियल में रिलेवेंट है उन पे। अभी एक कंटेंट मिला है, यानी कि प्रूफ मिला है, उसके लिए तब हमने ये वीडियो बनाया, वरना ऐसी कोई नीड नहीं थी। अब देखो ये आज का पेपर था, इसे पूरा देख लीजिएगा, जिसके पास भी पेपर हो वो खुद पढ़ लेगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, और प्लीज़ शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जो बच्चे होफ हो चुके थे भाई, हम बिहार से पढ़े हैं, इतनी मेहनत की है, मतलब देना एग्जाम सेमेस्टर वाइज कितना टफ होता है, 40% का रिजर्वेशन लगने के पूरे पूरे चांसेस हैं, लग जाएगा अगर सीएमजे यूनिवर्सिटी और कुछ यूनिवर्सिटी जिनको फेक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं अगर ये बाहर हो गए, तो काफ़ी बच्चे जो मतलब कम परसेंटेज वाले में उनको भी ऊपर आने का चांसेस मिलेगा। और आप लोग होप मत खोइएगा, जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।